वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट देखेंगे। तो आरसीएफ स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी फर्टिलाइजर स्टॉक में देखने को मिली थी। तकरीबन सभी स्टॉक्स में तेजी थी फर्टिलाइजर्स पर रिसेंटली पिछले 2 दिन, कल और आज के दिन में, जैसे कि कोविड की न्यूज सामने आ चुकी है। जैसे कि यहाँ पे कोविड बढ़ने लगा है फिर से, उसी की न्यूज की वजह से कल गिरावट स्टार्ट हो चुकी थी। उसी की न्यूज के चलते आज भी गिरावट देखने को मिली थी। और रिसेंटली देख से देखिए आरसीएफ यानी कि राष्ट्रीय केमिकल स्टॉक की बात की जाए तो आज फिर से यहाँ पे ओपन तो गैप अप से हुआ था, पर ओपन होते ही गिरावट देखने को मिली। 120 लेवल को ब्रेक करके चला गया नीचे। 115 लेवल ने सपोर्ट का काम करके उसी के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तकरीबन मार्केट कैप जो है 6.34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 6.77 है और डिविडेंड यील्ड 4.73% का है। तो लास्ट 5 डेज की भी बात की जाए राष्ट्रीय केमिकल स्टॉक के लिए तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक में यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन 19% की गिरावट देखने को मिले। एक नया हाई बनाने के बाद यहाँ पे गिरावट हो चुकी थी, पर आज के दिन का जो वॉल्यूम है उसके ऊपर नजर डाली जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम 1 करोड़ 16 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है टोटली स्टॉक के अंदर। ट्रेडेड वैल्यू जो है 13,775 लाख के ट्रेडेड वैल्यू भी देखने को मिले। मीन्स यहाँ पे देख सकते कि तकरीबन सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन के ऊपर नजर डाली जाए तो रिसेंटली डाटा अनअवेलेबल है स्टॉक के लिए। यहाँ पे आप देख सकते तो चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो देख सकते कि स्टॉक ने यहाँ पे 140 लेवल के ऊपर सेटल नहीं हो पाया। 140 का रेजिस्टेंस लगते ही गिरावट देखने को मिली थी। तो मंथली जो प्यूटे 112 लेवल करीब यहाँ पे आप देख सकते नीचे आता है तो वो सपोर्टिव एक्ट हो सकता है। कल के दिन यहाँ पे सेम लेवल पे ओपन होकर नीचे आता है तो मंथली प्यूट का जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी राष्ट्रीय केमिकल स्टॉक के लिए। और देख सकते हो कि मंथली प्यूट को ब्रेकआउट देते तो और गिरावट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं स्टॉक के अंदर।